हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ चटपटी चाट बनाने की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं आज इस चाट बनाने की रेसिपी को। चाट बनाने के लिए हमने यहाँ पर गाजर लिए हैं और गाजर को हमने अच्छे से वॉश किया है। तो यहाँ पर हम गाजर को छोटे छोटे पीसीज में ऐसे ही कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम गाजर को कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने दो गाजर लिए हैं, उन्हें कट कर लिया है। और यहाँ पर हमने एक शिमला मिर्च ली है, उसे भी हम कट कर लेंगे। छोटे छोटे पीसेज में हम शिमला मिर्ची को भी ऐसे ही कट कर लेंगे। शिमला मिर्च हमने कट की। अब यहाँ पर हमने लिए हैं टमाटर। टमाटर को भी हम यहाँ पर ऐसे ही छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। दो टमाटर लिए हैं, वो भी हमने यहाँ पर कट कर लिए हैं। यहाँ पर हमने दो दाने प्याज के लिए हैं, उन्हें भी हम छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पर आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग और सब्जी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर गाजर, मिर्च, टमाटर और प्याज कट किया है और चाट बढ़िया सी बनके तैयार होती है। और बच्चों को सब्जी खाने के लिए भी मिल जाती है। जो बच्चे सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो चटपटी सी चाट जब हमारी बनकर तैयार होती है तो वो इसे फटाफट खा लेते हैं और बढ़िया एक हमें हेल्दी डाइट मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने प्याज को भी कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने लिए हैं मुरमुरे, और मुरमुरे इस बर्तन में डाल लेंगे जिसमें हमें चाट बनानी है। और जितनी आपको चाट बनानी है, जितने लोग खाने वाले हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर चाट बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये मुरमुरे एक बर्तन में ले लिए हैं। और यहाँ पर हमने लिए हैं चिप्स। चिप्स को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे और इसमें डाल लेंगे। तो बढ़िया सी हमारी चाट बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने चिप्स के भी छोटे छोटे पीसेस किए और उन्हें भी इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर हम सारी सब्जी जो हमने काट के रखी है उसे भी डाल देंगे। यहाँ पर हमने सारी सब्जी मुरमुरे के ऊपर से डाल ली है। तो अब हम इसकी चाट तैयार करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इस चाट को जो बनाने के लिए हमने मुरमुरे और सब्जी ली है, इसे एक दूसरे बर्तन में खाली कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे खाली किया और बढ़िया सी चाट इसमें हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और बढ़िया सी चाट बने इसके लिए हम यहाँ पर डालेंगे मसाले। तो एक स्पून यहाँ पर हमने सॉल्ट डाल लिया है और यहाँ पर दो स्पून हम अमचूर पाउडर डाल लेते हैं। अमचूर पाउडर डाल लिया है और यहाँ पर एक स्पून हम जीरा पाउडर डाल लेंगे। अब हम इसमें काली मिर्च पाउडर भी डाल लेंगे और यहाँ पर हम इसमें डाल लेते हैं कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च डालने से हमारी चाट का कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो बढ़िया सा कलर दिखे और चाट हमारी अच्छी लगे तो हमने डाल ली इसमें कश्मीरी मिर्च। और यहाँ पर एक हरी मिर्च हमने छोटे छोटे पीसेस में काट ली है। और आप हरी मिर्च डालना चाहें तो डालें, अगर छोटे बच्चे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कीजिए। और यहाँ पर डाल लिया है हमने हरा धनिया कटा हुआ। अब हम डालेंगे इसमें नींबू का रस। हमने नींबू लिया और इसका रस इसमें डाल देते हैं। बढ़िया चटपटी तीखी चाट बने इसके लिए इसमें मिर्च और मसाले होना ज़रूरी है। और साथ में नींबू का रस डालने से चाट हमारी बहुत टेस्टी और बड़ी मज़ेदार बन जाती है। तो इसमें हमने खूब सारा नींबू का रस डाल लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले और नींबू का रस अच्छे से मिक्स हो जाए और बढ़िया सी हमारी चाट बनकर तैयार हो जाए। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स किया और बढ़िया सी हमारी चाट बनने को है। तो फ्रेंड्स, आप भी कभी भी घर पर चाट बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी मिनटों में ही चाट बनकर तैयार हो जाती है। और ये चाट बड़ों को तो पसंद है ही, साथ में बच्चों की तो ये बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार से चाट बनाकर हम कभी भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों को इसमें खाने को हमारी सब्जियाँ भी मिल जाती हैं, जो काफ़ी हेल्दी भी होती हैं। बच्चे सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं और चाट में डालकर वो बड़ी जल्दी इसे खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी यहाँ पर चाट बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। जब हमारी यहाँ पर चाट बनकर तैयार हो गई है तो देर किस बात की, हमने इसे सर्व करना भी स्टार्ट कर लिया है। और फटाफट से चाट को हम सर्व करके ले सकते हैं। तो घर पर एक जगह बैठकर ही हम पूरी चाट तैयार कर सकते हैं और ना गैस में जाना है और ना ही हमें कुछ करना है। मिनटों में ही एक जगह पर बैठ के हमारी बढ़िया सी चाट बनकर तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने टेस्टी टेस्टी चाट बनाकर की है तैयार। और अगर आपको आती है मेरी वीडियो पसंद तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक, अपने फ्रेंड्स में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।